हाय गाइस वेलकम टू एच पी आई इस वीडियो में हम समझेंगे डोमेन नेम सिस्टम और डीएनएस के कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज़ डीएनएस डीएनएस के यूजेस एंड एडवांटेजेस डोमेन नेम स्पेस और डोमेन नेमिंग हरार और साथ ही साथ हम समझेंगे डीएनएस एन एस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है सो so, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक कम्प्लीट देखिएगा बिकॉज इसमें हम कवर कर रहे हैं डी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डीएनएस और डीएनएस के क्या यूजेज एंड एडवांटेजेस हैं डीएनएस एक नेम रेजोल्यूशन सर्विस है जो यूज़ होती है अल्फा न्यूमेरिक नेम्स लाइक डब्ल्यू को आईपी एड्रेसेस के साथ ट्रांसलेट और मैप करने के लिए या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं डी की हेल्प से हम आई पी को यूज़र फ्रेंडली नेम्स के साथ मैप करते हैं और डी में वो यूज़र फ्रेंडली नेम होता है एफ़ विच इज़ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो कि कॉम्बिनेशन होता है होस्ट नेम एंड डोमेन नेम जैसे डब्ल्यू 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 में www इज़ द होस्ट एंड एच पी इज़ द डोमेन नेम सो ये कंप्लीट हमारा कहलाता है एफ़ क्यू डी एन सो डी एन एस का यूज़ करके हम किसी एफ़ क्यू डी एन को मैप कर देते हैं आई पी एड्रेस के साथ एंड वाइस वर्सा वर्षा मीन्स नेम टू एड्रेस एंड एड्रेस टू नेम मैपिंग फॉर एक्ज़ाम्पल जैसे ये गूगल डॉट कॉम का आई पी एड्रेस है सो डी एन एस की हेल्प से इस आई पी एड्रेस को मैप कर दिया है गूगल डॉट कॉम के साथ सो so इसका मेन एडवांटेज ये है कि हमें इस आई पी एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है जब भी हम गूगल डॉट कॉम के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं सो so अब हम इस आई पी एड्रेस की जगह इस नेम का यूज करके भी गूगल डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हम वेब ब्राउज़र पे टाइप करते हैं उसका नेम लाइक गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट काम माइक्रोसॉफ्ट डॉट काम एट्सेट्रा बट नेटवर्क में कंप्यूटर्स डिवाइस और वेब सर्वर्स जहाँ पे वेब पेजेस होस्ट हैं इन नेम्स के थ्रू एक्सेस नहीं होते हैं वो एक्सेस होते हैं यूजिंग आई पी एड्रेस ऑनली बट ह्यूमन बींग्स के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतने आई पी एड्रेसेज याद रख सकें सो so इसका सॉल्यूशन है डी एन एस डी का यूज करके इन आईपी एड्रेसेस को मैप कर दिया जाता है यूज़र फ्रेंडली एल्फ़ा न्यूमेरिक नेम्स के साथ जिनकी मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है डी सर्वर पे अब इसका मेन एडवांटेज ये है कि हमें आईपी एड्रेसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी हम ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं दिस इन्फॉर्मेशन गोज़ टू डी सर्वर और डी सर्वर उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को और उस आई एड्रेस की हेल्प से एक्सेस होते हैं हमारे वेब पेजेस अगर हमें किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता है तो हम वेब ब्राउज़र पे डायरेक्टली उसका आईपी एड्रेस एंटर करके भी उसके वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं सो so, अब हम एक बार गूगल डॉट कॉम को उसके आईपी एड्रेस से एक्सेस करके देख लेते हैं और एन एस लुकअप कमांड का यूज करके हम किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप एन एस लुकअप गूगल डॉट कॉम एंड प्रेस एंटर सो so, यहाँ पे हम देख सकते हैं गूगल डॉट कॉम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस सो राइट क्लिक ऑन इट जिससे ये हमारा कॉपी हो जाएगा एंड ओपन ब्राउज़र और एड्रेस बार में इसे हम पेस्ट कर देते हैं नाउ प्रेस एंटर सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई पी एड्रेस से डायरेक्टली एक्सेस हो गया है गूगल डॉट कॉम डोमेन लेकिन हमें आई पी का यूज़ करके वेबसाइट्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज बिहाइंड द सीन डी एन एस वर्क करता है जहाँ पे इन आई पी एड्रेस और डोमेन नेम्स की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और जब भी हम कोई डोमेन नेम एंटर करते हैं तो डी एन एस सर्वर उस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस को रिजॉल्व कर देता है सो so गाइज आगे हम देखेंगे कि डी एन एस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है लेकिन उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं डोमेन नेम स्पेस और डोमेन नेमिंग हरार की डोमेन नेम स्पेस जो कि एक सेट ऑफ नेम्स है जो रिप्रेजेंट करता है किसी आई पी एड्रेस को एंड डोमेन नेम स्पेस में इंक्लूड रहता है रूट डोमेन टॉप लेवल डोमेन सेकेंड लेवल डोमेन एंड पॉसिबली सब बात करें रूट डोमेन की रूट डोमेन जो कि डोमेन नेम स्पेस हायरार्की का हाईएस्ट लेवल होता है और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से करंटली वर्ल्ड वाइड थर्टीन रूट सर्वर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं टॉप लेवल डोमेन टॉप लेवल डोमेन किसी डोमेन नेम का राइट मोस्ट पोर्सन होता है और रूट डोमेन के डायरेक्टली नीचे होता है टॉप लेवल डोमेन यूजुअली किसी डोमेन नेम के ऑर्गेनाइजेशनल और जियोग्राफिकल स्टेटस आइडेंटिफाई करता है जैसे आई एन डिनोट करता है इंडियन डोमेन्स और वेबसाइट्स को कॉम डिनोट करता है कमर्शियल साइट्स को जीओबी मीन्स गवर्नमेंट साइट्स ई डी यू मीन्स कोई एजुकेशनल डोमेन एट्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल मेल डॉट गूगल डॉट कॉम में कॉम हमारा है टॉप लेवल डोमेन सेकेंड लेवल डोमेन सेकेंड लेवल डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है जो कॉमनली किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के नेम को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड लेवल डोमेन नेम्स इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर में रजिस्टर्ड होते हैं मेल डॉट गूगल डॉट कॉम में गूगल है हमारा सेकेंड लेवल डोमेन जो रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को और सेकेंड लेवल डोमेन्स के सब डोमेन्स भी क्रिएट हो सकते हैं लाइक मेल डॉट गूगल डॉट कॉम तो इसमें मेल गूगल डोमेन का एक सब डोमेन है अब सिमिलरली सपोज यहाँ पे हम एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम के अंडर एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग तो ये कम्प्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम जिसमें कॉम इज़ द टॉप लेवल डोमेन एच पी आई टी इन्फोटेक इज़ द सेकेंड लेवल डोमेन एंड ट्रेनिंग इज़ सब डोमेन सो so, डोमेन नेम हरार की समझने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि डी एन एस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है अब सपोज अब हम अपने सिस्टम के ब्राउजर में एंटर करते हैं डब्ल्यू 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 सो अब ये सिस्टम के आईपी सेटिंग में चेक करेगा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस और देन क्वेरी सेंड करेगा डीएनएस सर्वर को या रिजॉल्वर सर्वर को दैट आई नीड आईपी एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू दिस नेम बिकॉज गूगल का जो सर्वर एक्सेस होगा वो आई एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस होगा पब्लिक रिजॉल्वर सर्वर जो आई और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड पे लोकेटेड होता है लाइक ए डॉट ए डॉट ए डॉट एट जो कि गूगल का एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है अब लोकल डीएनएस सर्वर और रिजॉल्वर सर्वर सबसे पहले अपना डीएनएस कैश डेटाबेस चेक करेगा अगर कैश डेटाबेस में एड्रेस और नेम की मैपिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो ये वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा सिस्टम को अदरवाइज लोकल डीएनएस सर्वर इस क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा रूट डी सर्वर पर बट रूट डी सर्वर को नहीं पता है कि गूगल के सर्वर का आई एड्रेस क्या है लेकिन रूट सर्वर के पास इंफॉर्मेशन रहती है टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर की सो रूट सर्वर इसे रेफरेंस देगा टॉप लेवल डोमेन डी सर्वर का जो कि यहाँ पे है कॉम सो रूट सर्वर से इसे टी एल डी सर्वर का आई पी एड्रेस मिल जाएगा अब ये सर्वर क्वेरी सेंड करेगा टॉप लेवल डोमेन डी सर्वर पे दैट आई नीड द आई एड्रेस ऑफ गूगल देन टॉप लेवल डी सर्वर इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का जिसमें गूगल डॉट कॉम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट आईपी एड्रेस की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी देन ये सर्वर क्वेरी फॉरवर्ड करेगा अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर पे देन ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर इस लोकल डीएनएस सर्वर और रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा गूगल डॉट कॉम का एंड देन लोकल डीएनएस सर्वर इस पीसी को गूगल डॉट कॉम का आई पी एड्रेस प्रोवाइड करेगा और अब ये पी सी एक्सेस कर सकता है गूगल डॉट कॉम डोमेन को यूजिंग दिस पर्टिकुलर आई पी एड्रेस और जब लोकल डी एन एस सर्वर और रिजॉल्वर को गूगल डॉट कॉम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस मिलता है तो ये इसे अपने कैश मेमोरी में भी स्टोर कर लेता है सो so, अब इनकेस नेटवर्क में हमारा कोई दूसरा सिस्टम है यहाँ से अगर हम एक्सेस करते हैं गूगल डॉट कॉम तो ये क्वेरी सेंड करेगा हमारे लोकल डी एन एस सर्वर पर और लोकल डी एन एस सर्वर चेक करेगा अपना कैश डेटाबेस जहाँ पर गूगल डॉट कॉम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है सो so, अब लोकल डी एन एस सर्वर प्रोवाइड कर देगा इस सिस्टम को गूगल डॉट कॉम का आई पी एड्रेस सो यही रीज़न है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं इट टेक्स टाइम बट नेक्स्ट टाइम जब हम उसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो जल्दी ओपन हो जाती है बिकॉज लोकल डी एन एस सर्वर उस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस को रिजॉल्व कर देता है और डी एन एस सर्वर पे नेम रेजोल्यूशन के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड होती हैं उन्हें कहा जाता है डी एन एस क्वेरीज डी एन एस में जनरली दो टाइप्स की क्वेरीज होती हैं रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी रिकर्सिव क्वेरी जो कि पी सी या डी एन एस क्लाइंट लोकल डी एन एस सर्वर और रिजॉल्वर पे सेंड करते हैं और जिसमें लोकल डी एन एस सर्वर और रिजॉल्वर डी एन एस क्लाइंट को उस कम्प्लीट नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस प्रोवाइड करता है और सर्वर टू सर्वर जो क्वेरी सेंड होती है वो होती है इटरेटिव क्वेरी और इटरेटिव क्वेरी के तीन पॉसिबल रिप्लाईज हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड रेफरल पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसमें नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस रिजोल्व हो जाएगा नेगेटिव मीन्स नेम्स के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी नहीं होगा अब सपोज हम कोई ऐसा डोमेन नेम टाइप करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है देन डेफिनेटली इट विल गिव अगेटिव रिस्पॉन्स लाइक दिस एड्रेस कैन नॉट बी फाउंड और समथिंग लाइक दैट और रेफरल में एक सर्वर दूसरे सर्वर का रेफरेंस देता है टू रिजॉल्व द नेम टू आई पी एड्रेस जैसा हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे लोकल डी एन एस सर्वर क्वेरी सेंड करता है रूट सर्वर पे देन रूट सर्वर रेफरेंस देता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर का देन टॉप लेवल डोमेन सर्वर रेफरेंस देता है अथॉरटेटिव डी एन एस सर्वर का तो यहाँ पे इन सर्वर्स के बीच जो क्वेरीज सेंड हो रही है ये कहलाती है इटरेटिव क्वेरीज आई होप गाइज आप डी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने विंडोज सर्वर टू मशीन पर कॉन्फिगर करेंगे डी सर्वर और अगर आपकी डी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं सो कीप वॉचिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू